अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये कहने वाले लोग यानी कि माजी के हरीफ आपस में फिर लड़ पड़े। ये क्या है? पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि नून लीग का इलेक्शन जीते तो दुरुस्त, अगर पीपल्स पार्टी जीते तो डील। ये कैसा मामला है? आपस में इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं, जहां ये की सारी पार्टियां एक दूसरे के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थी। अपोजिशन में बड़ा इत्तेहाद था, आज एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आइए लोगों से पूछते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मेरे भाई, ऐसा क्यों है? आइए मेरे साथ रहिए। आप उधर मोटरसाइकिल तो डेग गए ने, मैं कहा यार साठ तेरी लगी, कहते मैं उतरना ही है इंजा। आजकल तो बाटे बड़े खुश हो रहे हैं, दुआना आ गया। क्या करते हैं आप? जी मैं एज अ डेंटिस्ट। वेरी गुड यार, ये तो काम के बंदे निकल आए आप। जी जी जी, कभी दाढ़ जो दर्द हो तो तुम मिल जी जी। हाँ वो कहना मैं तेरी दाढ़ा कर देनी है। कहता है वो इंग्लिश की दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता ही ला ला। आजा मैं सदके चला जाऊं ते काम देना जाना। मरासी जिस ढोलकी ना थोड़ी सही कर, थोड़ी फड़ देने ना नहीं ढोलकी सही कर रहे होंगे ने, ओहो जे मुंह है आते पार्टी ढोलकी रहेगा ताडा भी ते मुंह बिल्कुल सही है, गलत बजाएगा तो पाटेगी। स्पोर्टमैन ही लग रहे हो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। केड़ा स्पोर्टमैन है जेड़ा खेड़ी पांदा है? भाई गुल्ली डंडे दा गुल्ली कमाल लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, पहले भी पहनी थी मैंने, एक तो फिर पहन के देखता हूँ। वेरी गुड, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा लग रहा है कि लग रहा है चिड़िया घर का बांदर है। डिस्प्रीन की गोली खा के पुठा लमक गया, मैं कहता सिर दर्द खाती कि ढिड च ना चली जाए। खरगोश ने कलाई होंगी तेरी, मेरे बर्फानी भी अच्छा होता बिल्कुल होता है, चैना चैना का डड्डू होता बिल्कुल होता है, किक वाला खोता होता बिल्कुल होता है, चैंपर वाली चुई होती बिल्कुल। कौन पकड़ के लेके आया इसे? अच्छा सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी थी नून लीग थी आपस में बड़ा इत्तेहाद था इनका। और सर पावे पीपल्स पार्टी है पावे नून लीग है पावे कुत्ता लीग है पावे फलानी लीग है, गल एक हैगी है कि पंजाबी की एक मिसाल है, चोरों चके चौधरी तो गुंडी रन प्रधान। बस चोरों चके चौधरी तो गुंडी रन प्रधान, इतने वो है फिल्म बननी जाए एक नवी, वो फिल्म बने या ड्रामा बने बरल इतने वही हिसाब है, उथे यही हिसाब है। सर क्या मसला है? सर मुझे तो शुरू से ही सियासत से नफरत है, बिल्कुल ठीक। इस चीज से नफरत है कि बेनजीर के बाद कोई नस्ली नहीं आया। सईद गनी को यही बात कहेंगे कि बेटा घर बह काका टी कर, कोरोना बड़ा शुरू होया है तो तू झूठे झूठे अपोजिशन लीडर बनिया ना, जरा वो गलत चीज है, चुप करके बह, जिन्नी तेरी का ते उथे रह। क्या कहते हैं आपस में? पहले तो बिल्कुल ठीक थे ये, अब क्यों ऐसे बयान आ दे रहे हैं? ये बेसिकली सारी जो है ना ये स्ट्रेटेजी जरदारी साहब की है। सईद गनी को कोई पैगाम देंगे आप? मैं क्यों दिया उन्होंने घर दूजी बारी सालन कोई नहीं देता, मैं पैगाम का दे दिया। नाम अपना जरा बताएं पूरा। सुहेल भट्ट। सुहेल भट्ट, सुहेल भट्ट, भट्ट तो बड़े कमाल होंगे ने, भट्ट बब्बर शेर को हमेगी। झूठ बोल रहा है। आजकल तो भट्ट बड़े खुश हो रहे हैं क्यों? दुआना आ गया। कहता है वो इंग्लिश की दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता ही ला ला। तो मैं किसी ने कोई पैगाम देना चाहता, सारे चोर है ने, की कहिए? बिल्कुल सही बात है। कोई शरीफ बंदा होवे, कोई इंसान होवे। शरीफ साहब तो बैठे ने लंडन, उनकी किराए किता जाए वो तो ना ही शरीफ है ना, किरदार का तो शरीफ नहीं है। बस भाई बस भाई। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये दोहरा मियार नहीं चलेगा, क्या मसला है? सर ये जो भी है ये सब चोर के चोर हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो भी पार्टी में आता है कहता है कि मैं अपना पेट भरूँ। बिल्कुल सही बात है, बस यही है, आ रहे हैं और खा रहे हैं। सही बात है, अवतारी च बड़ा खाने ने। जी ऐसा ही है। अल्लाह माफी दे, समोसे इन्ने 50-50 समोसे खा जाते हैं, खजूरे भी खाते हैं। अच्छा नोट है
ਲਾਲ ਅਫਸਰ ਲਾਲ ਅਫਸਰ आपके लिए मेरे पास एक पैगाम है मुछा रखो पवन चाली रहा इस गंजवी ला ली अच्छा उधर पुलिस वाले का छापा पै गया दौड़ नहीं रहा उतरों के लाने लग गया आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं सियासत चल दी भी बस क्या बात है सियासत चल रही ताड़ी साइकिल नहीं चल रही यानी लाल अफसर रंग आके तो फिर कुर्सी पे जी बिल्कुल लाल अफसर देखो जी कोई पढ़ लिख के अफसर बन दे असि जमे ही अफसर हां क्या बात है जमदे ही अफसर हां जमदे ही अफसर हां सही गल है असि तुम्हारे भी अफसर हां अंकल ये कौन है ये शबनम का आशिक है शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली कुर्सी पे बैठ के फीडर पींदे सो आज अफसर हो गए समझ साढ़े बारे अंगूठा चूसते सानो तो फीडर होंदे नहीं सर सईद गनी साहब जो कह रहे हैं कोई सईद गनी को आप पैगाम देना चाहते हैं सर ये भी पीपल पार्टी का एक चेला ही है बस इसको भी किसी ने पैसे लगा दिए हैं जो इस तरह के बयान दे रहा है बिल्कुल सही बात है लाल टोपी को पाई है तो दसिया के खतरे का निशान ये क्या मामला है ये कह रहे हैं दोहरा मियार नहीं चलेगा आपस में लड़ पड़े हैं फिर लड़ पड़े हैं क्यों लड़ते हैं यार इन्हें लड़न तो बॉस मेनू जान दो नून लीग सिलेक्टेड है पीपल्स पार्टी जीते तो जी गल सुनो ए लो तुहाडे अगे हाथ जोड़दे हैं इन्ना रुलिया खुलिया लोगों का नाम ना लो अपनी ही आवे पहले पीटीएम बनाई है ओके ना सी मुल्ला नसरदीन और मुल्ला डीजल ओनू वाले आए समझ गयो इमरान खान मेका लेक देखे इस्लामाबाद एक रेहड़ी वाले कोल बह जांदा है ओनू कहने दुख रखना वो ए ते नहीं कर सकता सानू घरां दे राशन दे देवे लेकिन वो कोशिश कर रहे है जी, ये जी, क्या जी, मामला है ये मामला यही है कि इनके मफादात जो हैं वो एक ही हैं ये आपको भी पता है ठीक है और जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान एज अ लीडर ठीक है ईमानदार आदमी है पहले चोर थे ठीक है आपको भी पता है जरदारी चोर नवाज शरीफ चोर नवाज शरीफ का बाप क्या करता था ठीक है आपको नहीं पता एक वो लोहार था ठीक है सभी पता है हम लाहौर के रहने वाले हैं हमें ठीक है हमें सभी पता है कि ये क्या कर रहे थे क्या नहीं करते थे ये छोटे छोटे से गर्मी यहाँ थे अब वहाँ पे इवन फ्लैट में घर बने हुए हैं कहाँ से पैसा आया ठीक है ना यहाँ से लॉन्चों में पैसा जाता था आपको नहीं पता मैं तो भूल गया क्या करते हैं आप जी मैं एज ए डेंटिस्ट आप उधर मोटरसाइकिल तो डिग गए मैं यार सट तो नहीं लगे कहते मैं उतरना ही है इंजा सईद गनी सईद गनी खुद एक चोर आदमी है ठीक है वो क्या उन्होंने किया वो देखे ना वो सखर में वो लोग कुत्ते काट रहे हैं कराची में एक मतलब आज से 50 साल पहले जो था कराची वो एक रोशनी का शहर था अब क्यों अब 10 से 12 साल से उनकी हुकूमत है ठीक है क्या किया बहरहाल नाजरीन ये जो कुछ भी हो रहा है आपको हंसाने के लिए हो रहा है आपके चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए हो रहा है आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें हमेशा हमेशा खुश रहें किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें और मस्क्रिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दोबारा मत भूलिएगा क्योंकि सरफराज विक्की आपके साथ है क्योंकि सरफराज विक्की आपके जिंदाबाद और विक्की जी हंसते रहो हंसाते रहो खुश रहो